जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अन्य राजनीतिक दल अपनी दावेदारी पेश करने में जुटी हुई है। आदिवासी बहुल जिले के रूप में पहचान रखने वाले अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने विशाल रैली और आम सभा का आयोजन कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चुनावी समर में देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश कर रही है। 3 सितंबर 2023 रविवार को हजारों की संख्या में नगर भ्रमण कर विशाल रैली निकाली और पुष्पराजगढ़ मुख्यालय के जनपद प्रांगण में आम सभा का आयोजन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने किया, जिसमें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष संध्या शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ त्रिवेदी, राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला ने अपने उद्बोधन से सभी कार्यकर्ताओं में जन चेतना जगाने के लिए हुंकार भरी। आशीष सेन की रिपोर्ट। आजादी के 76 सालों बाद भी भारत की जनता परेशान है। आजादी के 76 सालों बाद भी मुद्दे क्या बनाए इन्होंने? रोटी, कपड़ा और मकान। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, बड़े बड़े वादे कर देना। आज गांव गांव की जनता कोई पानी के लिए परेशान है, कोई बिजली के लिए परेशान है, शौचालय के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए परेशान है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, महंगाई से परेशान है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तनाव में है। आज आजादी के 76 सालों बाद भी, बार बार सत्ताएं बदल बदल करके आने के बाद भी, यदि आम जनता इन्हीं सब परेशानियों से परेशान है, तो मैं पूछना चाहती हूँ बदल बदल करके आने वाली भाजपा और कांग्रेस की सरकार से कि आजादी के 76 सालों बाद तक आपने किया क्या? हर साल, हर 5 साल में आपने बड़ी बड़ी घोषणा पत्र लागू किए, बड़े बड़े योजनाओं के पत्र लागू किए, मगर 76 सालों में घोषणाएं आपने जितनी लागू करी, उनमें से 76 घोषणाओं को भी आपने पूरा किया हो तो आप अपना नाम बताइए। मगर योजनाएं बड़े बड़े जब बैनर लगाए जाएंगे तो हमने इतने बड़े अस्पताल बनवा दिए, हमने इतने बड़े विद्यालय बनवा दिए, हमने इतने रोजगार उपलब्ध करा दिए। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्ताधारी नेताओं से, यदि वास्तव में आपने मध्य प्रदेश में इतने रोजगार प्रदान किए हैं, तो क्यों आज मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है? कोई मामा बनकर के लौट रहा है, तो कोई चाचा बनने के लिए चला आ रहा है, आपके साथ हर तरह के रिश्ते जोड़ लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ वह कौन सा सगा मामा होगा जो चाहेगा कि उसका भांजा शराब पी करके सड़ता रहे, उसका शरीर सड़ता रहे, वह कमजोर पड़ता चला जाए और उसकी बहनें विधवा हो जाएं। और इनके दोगले चरित्र देखिए, एक तरफ तो आपको सरकारी लाइसेंसी नशे के ठेके मिल जाएंगे देखने के लिए, और दूसरी ओर आपको नशा मुक्ति दिवस मनाने के लिए कहेंगे। आज ग्राम पंचायत लेवल में जितना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति इस बात की आवाज उठाए, अपने अपने गांव से आप आवाज उठाइए। नहीं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं हो सकता कि एक एक गांव में 15-15 करोड़ रुपए, 15-15 लाख रुपए का भ्रष्टाचार एक एक गाँव में हो रहा है। यह नर्मदा नदी को भी वह सम्मान नहीं दिला सके, और सम्मान दिलाना तो दूर, माँ नर्मदा नदी में ही जाने कितने स्थानों पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जाता है, और यह सब कुछ इन भ्रष्ट राजनेताओं के संरक्षण में इनकी नाक के नीचे होता है, मगर यह कभी कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो यही खनन माफिया इनके चुनावी क्षेत्र में अपना पैसा लगाते हैं। यह सरकार भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं होती, यह माफियाओं की सरकार होती है। चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे अपराधी हो, यह केवल और केवल अपराधियों की सरकार होती है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को नशे के व्यापार की ओर बढ़ाओगे, उनके परिवार की तुम्हें हाय लगेगी, कभी तुम अपनी सत्ता पर सफल नहीं हो पाओगे, एक दिन तुम्हें धूल अवश्य चाटनी पड़ेगी। संध्या दीदी जी, अरे व्यापार देने हैं कि ये पुष्पराजगढ़ में जो ये चारागाह बना हुआ है, इस चारागाह को हम जड़ से खत्म करने का एक संकल्प लिया है। हमारे पुष्पराजगढ़ विधानसभा में शौचालय के नाम से जो जिस तरह से शासन ने अत्याचार किया है, आज उनकी दुर्दशा को यदि गांव गांव जाकर के मूल्यांकन किया जाए तो शौचालय से भी वंचित हैं। पुष्पराजगढ़ के
लोग इस राजनगाम में अपने कार्यों को लेकर आते हैं तो एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। जिनके पास यदि 10 रुपए होगा तब जाकर के वह अपना निस्तार करता है। यहाँ का विधायक निधि की राशि, संसद निधि की राशि ना जाने कहाँ चला जाता है, जबकि हमारे विधायक महोदय यदि चाहते तो हमारे राजगढ़ को भी बहुत कुछ कर जाते, लेकिन जानबूझ करके विकास नहीं कर रहे हैं। हम हर तरह से यहाँ के क्षेत्रवासी परेशान हैं कि पूर्ण संकल्पित भाव से पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और इस पुष्पराजगढ़ को पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है मैंने। देखिए, पुष्पराजगढ़ में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की एक आम सभा रखी गई है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। 50 सीटों में हमारे प्रत्याशी उतरे हैं और हम इसी विचारधारा को लेकर के उतरे हैं कि जो आज तक आज़ादी के 76 सालों बाद भी आज आम जनता जो जिन सुविधाओं के लिए तरस रही है वो उन तक पहुंच सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज़ है, नशा मुक्ति के लिए हमारी आवाज़ है, अपराध मुक्त क्षेत्र के लिए हमारी आवाज़ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी आवाज़ है, बेरोजगारी जो बढ़ती चली जा रही है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन जो बढ़ती चली जा रही है उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज क्षेत्र के बीच में है और आपने देखा कि बहुत भव्य रैली आज यहाँ राजेंद्र ग्राम में भी निकाली गई। हजारों लोग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समर्थन में आए और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो विचारधारा है हम आपके साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और हजारों लोगों ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता भी आज प्राप्त की है इस क्षेत्र में और हमें बहुत खुशी है कि लोग तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में।